जो हमने पढ़नी है वो इसी डायग्राम से पढ़नी है। अब तक जितना कुछ पढ़ा वो इसी डायग्राम से ही पढ़ो, अगर आप गौर से देखो तो। डन हो गया भाई यहाँ तक? अच्छा तला साहब ये हेडिंग नहीं है, ये तो हम दूसरी हेडिंग अब डाल रहे हैं। हम क्या पढ़ रहे हैं? टाइप्स ऑफ ओपिनियन। ओपिनियन और रिपोर्ट में क्या फर्क है? सिर्फ एक मिनट आपको ब्रीफ कर रहा हूं। रिपोर्ट एक पूरा कागज का पर्चा होगा, रिपोर्ट एक पूरा कागज का पर्चा, उसके अंदर 10,000 चीजें लिखी भी आ रही होंगी। रिपोर्ट है ना, 10,000 चीजें लिखी भी आ रही होंगी, लेकिन उस रिपोर्ट के अंदर एक हेडिंग आ रही होगी जिसका नाम क्या होगा? ओपिनियन। तो ये फर्क है हमारा रिपोर्ट और ओपिनियन में, सही है? अगर आप फॉर एग्जाम्पल, आपने अक्सर सुना होगा भाई कोर्ट का फला ऑर्डर आ गया है और वो 50 पेज का ऑर्डर होता है, वो जो ऑर्डर है वो टेक्निकली स्पीकिंग रिपोर्ट है, और रिपोर्ट के अंदर एक जगह पे कंक्लूजन लिखा हुआ आ रहा होगा कि भाई आप केस जीते हो या हार हो। सेम चीज यहाँ पे भी अप्लाई होगी। रिपोर्ट मेरे पास 5-6 पेज की होती है जो कि बहुत आगे जाके पढ़ना है हमने, लेकिन रिपोर्ट का एक पैराग्राफ होता है और सबसे पहला पैराग्राफ ही होता है जिसकी हेडिंग क्या होती है? ओपिनियन, जिसमें मैं अपने शेयर होल्डर से, ऑडिटर शेयर होल्डर से कहता है कि क्या ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट IFRS के हिसाब से बने हैं या ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट IFRS के हिसाब से नहीं बने। ये बात समझ आती है आप सबको? बच्चों क्लियर हो गया? तो आज की क्लास में हमने पढ़ना है टाइप्स ऑफ ओपिनियन। पूरी ऑडिट रिपोर्ट नहीं पढ़ेंगे, शायद 2.5-3 महीने बाद या 4 महीने बाद पढ़ेंगे। आज की क्लास में हमने सिर्फ क्या पढ़ना है? टाइप्स ऑफ। और ये मोस्ट प्रोबेबली हमारे कॉन्सेप्ट की आज आखिरी क्लास होगी। डन हो गया भाई? अच्छा मेरे पास जो ओपिनियन होती है, सुनिएगा मेरी बात को, मेरे पास जो ओपिनियन होती है वो दो किस्म की होती है। पहली अनमॉडिफाइड, दूसरी मॉडिफाइड। यहां तक बात समझ आती है? एक होती है मेरे पास अनमॉडिफाइड, दूसरी मॉडिफाइड। अनमॉडिफाइड बहुत आसान है, और अनमॉडिफाइड ओपिनियन डील कहा जाता है आयजा 700, 500 के बाद ही रिपोर्ट आएगा यार, 500 से पहले रिपोर्ट का आयजा नहीं आ सकता, सही है? तो अनमॉडिफाइड ओपिनियन कहां डील की गई है? और अनमॉडिफाइड ओपिनियन का मतलब क्या है? अनमॉडिफाइड ओपिनियन का मतलब यह है कि मैं एज एन ऑडिटर शेयर होल्डर से यह कहता हूं कि दीज फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर प्रिपेयर्ड इन अकॉर्डेंस विद अनमॉडिफाइड ओपिनियन का मतलब मैं शेयर होल्डर से ये कहता हूं कि मैनेजमेंट ने जो एफएस बनाए वो बिल्कुल 100% सही नहीं बनाए। इन अवर ओपिनियन दीज एफएस आर प्रिपेयर्ड इन अकॉर्डेंस विद IFRS का। ये बात समझ आती है? ये कौन सी ओपिनियन कहलाएगी मेरे भाई? अनमॉडिफाइड ओपिनियन। डन हो गया? मॉडिफाइड ओपिनियन क्या होगी जल्दी से बता दो। हाँ जी, मॉडिफाइड ओपिनियन क्या होगी जल्दी छेदी छेदी, जिसमें मैं ये कहूंगा ये एफएस IFRS के हिसाब से, ये इतना आसान नहीं है जितना आप कह रहे हैं ना, और इतनी आसानी से आप कह रहे हैं इतना आसान है, सही है? आइए इसको समझते हैं थोड़ा सा, और आज की क्लास हमने सिर्फ ओपिनियन के टाइप्स को समझना है, सही है? अच्छा, मॉडिफाइड ओपिनियन मैं मॉडिफाइड ओपिनियन कब दूंगा? व्हेन देयर इज अ ये पार्शियल अभी स्टेटमेंट है, व्हेन देयर इज अ मिस स्टेटमेंट। अच्छा, व्हाट इज मिस स्टेटमेंट? व्हाट इज मिस, अगला सवाल ये भाई, मिस भाई व्हाट इज मॉडिफाइड ओपिनियन? व्हाट इज मिस स्टेटमेंट? व्हाट इज मिस स्टेटमेंट? व्हेन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर नॉट इक्वल टू, सेंस बनता है इस चीज का, तो IFS IFRS के हिसाब से यहां पे कब दूंगा? FS is equal to IFRS, और मिस स्टेटमेंट व्हेन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर, जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट IFRS के हिसाब से नहीं बने हुए तो हाउ इट इज पॉसिबल कि आप ये कहते हैं कि दीज FS आर प्रिपेयर्ड इन अकॉर्डेंस विद IFRS? सेंस ही नहीं बनता इस चीज का। तो मैं अपनी ओपिनियन को क्या कर दूंगा? मॉडिफाई करूंगा। कब करूंगा? व्हेन देयर इज अ मिस स्टेटमेंट इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। यहां तक बात समझ आती? अच्छा,
अच्छा भाई, मिस स्टेटमेंट कैसे हो सकती है? क्या टाइप्स है मिस स्टेटमेंट की? मिस स्टेटमेंट कैसे हो सकती है? ऑन अकाउंट ऑफ का मतलब देयर आर टाइप्स ऑफ मिस स्टेटमेंट. पहली टाइप, मैं पूरा लिख रहा हूं, सही है, सिलेक्शन ऑफ अकाउंटिंग. जल्दी 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 यार, IFRS है ही पूरा पॉलिसी. तो पहला मसला, आपकी आपने जो अकाउंटिंग पॉलिसी सेलेक्ट करी है वो वही गलत है. जब अकाउंटिंग पॉलिसी ही गलत है तो मतलब फाइनेंशियल स्टेटमेंट में जो नंबर आ रहा है वो भी गलत है. और जब पॉलिसी गलत है, इट मींस वो पॉलिसी IFRS के हिसाब से नहीं, इसका मतलब है जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो IFRS के हिसाब से नहीं. क्या ये बात समझ आती है मेरे भाई? क्लियर है सारे यहाँ पे? दूसरा मसला, अकाउंटिंग पॉलिसी तो सही सेलेक्ट करी है, लेकिन उसकी जो एप्लीकेशन है वो सही. क्या मतलब इसका? मेरी अकाउंटिंग पॉलिसी यही है, इन्वेंट्री शैल बी रिकॉर्डेड एट लोअर ऑफ कॉस्ट और, लेकिन जब मैं उसको अप्लाई करता हूं और NRV डिटरमाइन करता हूं, वो NRV सही डिटरमाइन नहीं कर रहा, तो जिसकी वजह से मेरा इंपेयरमेंट का नंबर सही नहीं आ रहा. जब इंपेयरमेंट का नंबर सही नहीं आ रहा, इसका मतलब ये IFRS के हिसाब से नहीं बने. प्यारे बच्चों, यहां तक बात समझ आती है? और तीसरा मसला हमारा है किस चीज का? इसको भाई देखे ना, FS is equal to IFRS में तीन दो चीज है, पॉलिसीज है, एस्टिमेट्स है, और चौथी कोई चीज नहीं. पॉलिसीज है, एस्टिमेट्स है, और डिस्क्लोजर है. चौथी कोई चीज IFRS में एग्जिस्ट नहीं. हर स्टैंडर्ड आप देख लें, वो उसका क्राइटेरिया यही है. इनिशियल रिकॉग्निशन पॉलिसी ही होनी चाहिए, सब्सिक्वेंट मेजरमेंट पॉलिसी ही होनी चाहिए. इसको मेजर करने के लिए ये एस्टिमेट्स इन्वॉल्व हो सकते हैं, और फाइनेंशियल स्टेटमेंट में आपने ये डिस्क्लोजर देना है. तीन ही चीजें, चौथी चीज आपको IFRS में कभी नहीं दिखी. डन हो गया प्यारे बच्चों? तो स्टेट जब आयजा ने भी बनाया तो आयजा ने कॉमन सा इस्तेमाल किया. उसने कहा या तो अकाउंटिंग पॉलिसी गलत है, या तो अकाउंटिंग, अगर मैंने इन्वेंट्री की अकाउंटिंग पॉलिसी ये रख दी कि इन्वेंट्री शैल बी रिकॉर्डेड एट कॉस्ट ओनली, हाँ जी गलत है, IFRS के हिसाब से बनी नहीं. या मैंने अकाउंटिंग पॉलिसी ये रखी है कि इन्वेंट्री शैल बी रिकॉर्डेड एट लोअर ऑफ कॉस्ट और, लेकिन NRV को जो डिटरमाइन कर रहा हूं वो गलत डेटा, तो अब भी अकाउंट IFRS के हिसाब से नहीं बने. तीसरी चीज, अगर आपने पढ़ा हो IS-37, एक बहुत बड़ा केस चल रहा है कंपनी का, पता नहीं कंपनी केस जीतेगी या हारेगी, तो स्टैंडर्ड कहता है कि आप इसको एज अ कॉन्टिंजेंट लायबिलिटी डिस्क्लोज करें. मैनेजमेंट इसको डिस्क्लोज नहीं करती, या तो मैनेजमेंट इसको डिस्क्लोज नहीं करती, या उसको inadequately disclose करती है. दोनों सूरतों में IFRS से खिलाफ वर्जी कर रहे हो आप. FS are not prepared in accordance with IFRS. डन हो गया मेरे भाई यहां तक? क्लियर है हम सारे यहां पे? अच्छा, अगर इनकी वजह से कोई भी मसला आ जाएगा, इट मींस इट इज अ मिस स्टेटमेंट. स्टैंडर्ड कहता है आपने ये देखना होगा क्या ये मिस स्टेटमेंट, हाँ जी, क्या ये मिस स्टेटमेंट मटेरियल है. सुनिएगा मेरी बात को. नाउ व्हाट इज मटेरियल, इसके ऊपर भी एक स्टैंडर्ड है आयजा 320 मटेरियलिटी. लेकिन मैं आपके सामने दो एग्जांपल सकता हूं. मैं नेशनल बैंक ऑडिट करता हूं, 5 trillion के उसके एसेट्स है, 5 trillion के उसके एसेट्स है, और मुझे 50 rupees का मसला आइडेंटिफाई करता है. 50 rupees से मैनेजमेंट ने इंपेयरमेंट रिकॉर्ड नहीं करे, मिस स्टेटमेंट है. Yes, FS are not prepared in accordance with IFRS. लेकिन चूंकि ये immaterial है, आप अभी भी कौन सी ओपिनियन दोगे? Unmodified. आप ओपिनियन मॉडिफाई कब करोगे? When there is a misstatement and the misstatement is material. If it is not material, 5 trillion की यार बैलेंस शीट है, आपको नहीं लगता 500 million तक के मसले होते हैं, बट हमारे लिए वो मटीरियल नहीं होते. क्या यहां तक बात समझ आती है? हाँ, अगर मैं एक ऐसे कंपनी को, ये 50 rupees का मसला है, लेकिन अगर मैं एक ऐसे कंपनी को ऑडिट कर रहा हूं जिसके जिसका बैलेंस शीट ही 1000 rupees का है और उसमें 50 rupees का मसला है, अब मैं कहूंगा ये मिस स्टेटमेंट मटेरियल है. क्या यहां तक बात समझ आती है प्यारे बच्चों? हर वो चीज, कोई भी, अच्छा मटेरियलिटी की डेफिनेशन क्या है? हर वो मिस स्टेटमेंट अगर वो शेयर होल्डर के डिसीजन को
अफेक्ट करे। अगर 5 ट्रिलियन में 50 रुपए नेशनल बैंक के शेयर होल्डर को अफेक्ट नहीं करेंगे, लेकिन 1000 रुपए वाली कंपनी में 50 रुपए शेयर होल्डर की डिसीजन को अफेक्ट करेंगे प्यारे बच्चों, तो वो चीज मटेरियल कहलाएगी। क्या यहां तक बात समझ आती है? एक मिनट देखते हैं। अच्छा, नॉर्मली सिर्फ आज के क्लास में समझाने के लिए सर कोई ना कोई तो बेंचमार्क होगा ना, मटेरियलिटी को डिटरमाइन करने के लिए कोई ना कोई तो बेंचमार्क होगा। सिर्फ फिलहाल इतना समझ रहे हैं कि अगर प्रॉफिट बिफोर टैक्स है जो कि कितने रुपए का है, 100 रुपए का, तो ऐसा कहता है नॉर्मली पीबीटी का 5% इज योर कितना रुपए आया, 5। इट मींस अगर कोई मिस स्टेटमेंट 5 रुपए या 5 रुपए से ज्यादा है तो वो मिस स्टेटमेंट क्या तस्वर की जाएगी, मटेरियल। अगर कोई मिस स्टेटमेंट 5 रुपए से कम है तो वो मटेरियल तस्वर नहीं की जाएगी। क्या याद तक बात समझ आती है? सिर्फ फिलहाल आज की क्लास के लिए सिर्फ इतना कि नॉर्मली प्रॉफिट बिफोर टैक्स का 5% इज योर मटेरियलिटी, सही है। 1000 सवाल आपके जहन में आ रहे होंगे और बिल्कुल जायज सवाल है, सर पीआईए का तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स है ही नहीं, तो वहां पे हम क्या लॉस बिफोर टैक्स का 5% मटेरियल, नहीं कुछ और मटेरियल होगी। आईकैप तो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, तो शेयर होल्डर या मेंबर का फोकस प्रॉफिट बिफोर टैक्स पे तो होता ही नहीं है, तो क्या उसमें भी पीबीटी होगा? सर इस 5% की लॉजिक क्या है, इस पीबीटी की लॉजिक क्या है, ये सारी बातें हम इंशाल्लाह आगे जाके जब आयजा 320 हम पढ़ रहे होंगे। क्या यहां तक बात समझ आती है? फिलहाल सिर्फ एक बेंचमार्क समझ लेंगे ताकि आज की क्लास में कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए कि ओपिनियन की टाइप्स हमारे पास क्या होती है। डन हो गया प्यारे बच्चों यहां तक? अच्छा, अगर मटेरियल है, अगर इट मींस आपकी मटेरियलिटी कितनी है 5 रुपए, और अगर आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट में इन्वेंट्री आ रही है कितने की, और IFRS के हिसाब से कितने रुपए की आनी चाहिए थी, 93 की आनी चाहिए थी, 7 रुपए की इंपेयरमेंट रिकॉर्ड जो कि मैनेजमेंट ने इंपेयरमेंट रिकॉर्ड, तो मिस स्टेटमेंट का अमाउंट कितना हो गया प्यारे बच्चों? क्या ये मिस स्टेटमेंट मटेरियल है? यस सर। क्यों? बिकॉज 5 रुपए या 5 रुपए से एक्सीड कर रहा है। डन हो गया यहां तक? अच्छा, स्टैंडर्ड कहता है अगर मिस स्टेटमेंट मटेरियल है तो एज एन ऑडिटर आप कौन सा ओपिनियन दोगे? ये अली वाली है, बैक से नहीं मिली मुझे, तो आप कौन सा ओपिनियन दोगे? आप क्वालिफाइड ओपिनियन एक्सप्रेस करोगे। क्या यहां तक बात समझ आती है? व्हाट इज क्वालिफाइड ओपिनियन? नोट नहीं करना है, यहां सुनना है, चले बड़ी टेक्निकल डिस्कशन है आज। व्हाट इज क्वालिफाइड ओपिनियन? व्हेन देयर इज अ, यहां पे क्या लिख रहा था जल्दी जल्दी, दीज एफएस आर, यहां पे क्या लिखो? हैंडआउट है, चला सब हैंडआउट दे देंगे सबको प्लीज।
या ग्रुप पे शेयर कर दिया, ग्रुप पे भी शेयर हो रहा है गौरव। सबके पास हैंड आउट है, सबके पास हैंड आउट, यार हैंड आउट है सबके पास भाई, दे दो ना यार, जल्दी कर लो, चलो आ जाओ यार, टाइम नहीं है आज। डन हो गया भाई, दोस्त क्लियर है, अच्छा आ जाए, सब आ जाए। ड्यूरिंग द ऑडिट, अच्छा सबने बैलेंस शीट देख ली, पीपी कितने रुपए के आ रहे हैं, इन्वेंट्री 560, अकाउंट रिसीवेबल टोटल एसेट 600, बैंक लोन 250, अकाउंट पेबल 150, शेयर कैपिटल प्रॉफिट सब मिला के प्रॉफिट बिफोर टैक्स कितना आ रहा है, प्रॉफिट बिफोर टैक्स कितना आ रहा है, मटेरियलिटी कितनी होगी, 5 रुपए। यहां तक बात समझ आती है सबके, अच्छा इलस्ट्रेशन वन, इलस्ट्रेशन वन, ड्यूरिंग द ऑडिट द ऑडिट टीम आइडेंटिफाइड दैट द सर्टेन इन्वेंट्री दैट आर ओल्ड एंड ऑब्सोलीट एंड आउटस्टैंडिंग, देयरफॉर मैनेजमेंट शैल रिकॉर्ड प्रोविजन अमाउंटिंग टू रुपीज, मैनेजमेंट हैज रिफ्यूज टू रिकॉर्ड एनी प्रोविजन स्लैश इंपेयरमेंट। ऑडिट जब मैं कर रहा था, सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस ले रहा था, मुझे पता चला कि कुछ इन्वेंट्री ओल्ड है, ऑब्सोलीट है, लॉन्ग आउट, कब से खरीदी हुई है, बिकी नहीं रही है, तो कितने रुपए की इंपेयरमेंट होनी चाहिए, 2 रुपए की। मैनेजमेंट कह रही है मैं 2 रुपए की इंपेयरमेंट रिकॉर्ड नहीं करूंगी, क्या ये मिस स्टेटमेंट है, लेकिन क्या ये मटेरियल है, प्यारे बच्चों कौन सा ओपिनियन होगा। मैं अभी भी ये कहूंगा दीज एफएस आर प्रिपेयर्ड इन अकॉर्डेंस विद, बिकॉज 600 रुपए में से अगर 2 रुपए गलत है तो शेयर होल्डर का इकोनॉमिक डिसीजन अफेक्ट नहीं होगा। बच्चों यहां तक बात समझ आती है सबके, क्लियर है हम सारे यहां पे, अच्छा इलस्ट्रेशन टू में आ जाए, सेम सवाल, बिल्कुल सेम चीज है, बस एक नंबर चेंज हो रहा है, क्या नंबर चेंज हो रहा है, अब जो इन्वेंट्री का अमाउंट है वो कितना है, अब जो इंपेयरमेंट का अमाउंट है वो कितना है, वो 8 रुपए, वही इलस्ट्रेशन वन ही कॉपी करी है मैंने, मैंने 2 की जगह क्या लिख दिया है 8। प्यारे बच्चों क्या ये मिस स्टेटमेंट है, प्यारे बच्चों क्या ये मिस स्टेटमेंट है, क्या ये मटेरियल है, सर क्या अब भी मैं आयजा 700 को देखूंगा, नहीं सर, ये जो मॉडिफाइड ओपिनियन है ये कहां डिस्कस हुई है आयजा, मैं 705 की तरफ आ जाऊंगा, क्यों, बिकॉज एक मिस स्टेटमेंट का अमाउंट है कितना 8 रुपए, इन्वेंट्री कितने की आ रही है 560 की, आने ये नंबर कहां पे आ रहा है, आईएफआरएस के हिसाब से कितने का आना चाहिए ये 552, मिस स्टेटमेंट की अमाउंट कितनी होगी जल्दी से बता दे, 8 रुपए की, मटेरियलिटी कितनी है 5 रुपए, क्या ये मिस स्टेटमेंट मटेरियल है, yes, प्यारे बच्चों मुझे कौन सा ओपिनियन देना पड़ेगा, yes, यहां तक बात समझ, अब आप मुझे बताएं व्हाट इज क्वालिफाइड ओपिनियन, मैं क्या लिखूं, दीज एफएस आर नॉट प्रिपेयर्ड इन अकॉर्डेंस विद, बच्चों ये गलत आंसर है, ये गलत आंसर है, हाँ जी प्यारे बच्चों मेरी बात सुने, इन्वेंट्री पूरे 600 रुपए में से कितने रुपए गलत है, 600 रुपए यार आपके सामने पूरी बैलेंस शीट है ना, 600 रुपए में से कितने रुपए गलत है, 600 रुपए में से 8 रुपए गलत है, इसका मतलब है 592 रुपए सही है, नंबर्स पर गौर करिएगा, 592 सही है, 8 अच्छा 8 गलत होने की वजह से आप ये कैसे कह सकते हैं कि दीज एफएस आर नॉट प्रिपेयर्ड इन अकॉर्डेंस विद आईएफआरएस। प्यारे बच्चों यहां पे क्वालिफाइड ओपिनियन का मतलब होता है मैं वर्ड यूज करता हूं, कौन सा वर्ड यूज करता हूं, एक्सेप्ट, एक्सेप्ट फॉर इन्वेंट्री, एक्सेप्ट फॉर इन्वेंट्री दीज एफएस आर प्रिपेयर्ड इन अकॉर्डेंस विद आईएफआरएस। इन्वेंट्री के अलावा, इन्वेंट्री में जो मसला है उसके अलावा बकिया फाइनेंशियल स्टेटमेंट आईएफआरएस के हिसाब से बने हुए, इसकी लॉजिक समझ आ रही है मेरे प्यारे बच्चों, अगर 600 रुपए में से कितने रुपए गलत है, तो यार आप मतलब नेशनल बैंक पे अगर मैं कोई मिस स्टेटमेंट आ रही है, 5 ट्रिलियन की उसकी क्या कहते हैं रहने तक, 5 ट्रिलियन की उसकी उसकी बैलेंस शीट है और 5 अरब का एक मसला आ गया, 5 अरब मटीरियल है नेशनल बैंक में, तो मैं ये थोड़ी कहूंगा कि 5 के 5 ट्रिलियन गलत है यार, मैं कहूंगा इस 5 अरब रुपए के अलावा बकिया 5000 अरब बिल्कुल
बिल्कुल सही है। क्या यहां तक बात समझ आती है बच्चों, इसका सेंस बन रहा है? अच्छा, वापस से आ जाए इलस्ट्रेशन थ्री, सेम चीज है, नंबर चेंज हो रहा है दोस्त। बिल्कुल रेडी, आ जाओ यार, सेम चीज है सिर्फ नंबर चेंज हो रहा है। सेम इलेक्शन कॉपी करी है मैंने, सिर्फ नंबर चेंज किया। क्या नंबर चेंज किया है? फाइव। प्यारे बच्चों मुझे बताएं अब मैं क्या ओपिनियन दू, यही ओपिनियन दे दू? मैं क्या बोलूंगा? मैं कहूंगा इन्वेंट्री के अलावा एफएस आईएफआरएस के हिसाब से। बच्चों ये कहूं? नहीं बच्चों, ये नहीं कह सकता। ये क्यों नहीं कह सकता? सर 600 रुपए में से 550 रुपए गलत है, और ये 550 रिप्रेजेंट करता है सब्सटेंशियल पोर्शन ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ये कैसा बेतुका लगेगा कि अगर मैं ये कह दूं कि 550 रुपए के अलावा बकिया एफएस बिल्कुल, अबे बकिया बचे कितने हैं? 50 रुपए के। प्यारे बच्चों इसका मतलब है अगर आपके पास कोई मिस स्टेटमेंट आइडेंटिफाई होती है और वो मिस स्टेटमेंट मटेरियल भी है, मटेरियल तो होगी होगी, और एक और वर्ड लिख रहा हूं मटेरियल के साथ साथ क्या है? परवेसिव। और परवेसिव का फिलहाल एक प्रिसाइज डेफिनेशन बता रहा हूं, एक ऐसी मिस स्टेटमेंट जो कि सिग्निफिकेंट पोर्शन ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट को रिप्रेजेंट कर रही है। ये जो मिस स्टेटमेंट थी, क्या ये मिस स्टेटमेंट थी? क्या ये सिग्निफिकेंट पोर्शन ऑफ द एफएस को रिप्रेजेंट कर रही थी? नहीं सर। लेकिन अगर मैं इसको चेंज करूं आईएफआरएस के हिसाब से, इन्वेंटरी कितने की आनी चाहिए? 10 रुपए की। इट मींस मिस स्टेटमेंट की अमाउंट कितनी हो गई? प्यारे बच्चों क्या ये 550 रुपए सिग्निफिकेंट पोर्शन ऑफ द एफएस को रिप्रेजेंट कर रहा है? यस सर कर रहा है। इसका मतलब है अब आप क्वालिफाइड ओपिनियन नहीं दे सकते। प्यारे बच्चों अब तो और खतरनाक ओपिनियन होगी, और वो ओपिनियन क्या कहलाती है? एडवर्ड। सबसे घटिया तरीन ओपिनियन होता है ये, और आपको हर बैले हर अकाउंट्स में नहीं एडवर्स ओपिनियन का मतलब दीज एफएस आर नॉट प्रिपेयर्ड इन अकॉर्डेंस में। These FS are not prepared. जो आंसर आप यहां कह रहे थे वो आंसर यहां के लिए नहीं है, वो आंसर यहां के लिए। जो आपने पहला आंसर कहा कि सर हम ये कह देंगे these, आप ये तब कह सकते हो जो मिस स्टेटमेंट है वो सिग्निफिकेंट। अगर 5 ट्रिलियन में से 4 ट्रिलियन गलत है तो आप, मैं ये नहीं कहूंगा 4 ट्रिलियन के अलावा बकिया, बकिया बचा ही नहीं यार कुछ। जो गलत है वही तो पूरे एफएस को घेर रहा है, जो गलत है वही तो पूरे एफएस को, और आपकी तो जिम्मेदारी है एफएस के ऊपर ओपिनियन देना। तो एफएस में से अगर एक सब्सटेंशियल पोर्शन ही, तो क्या फायदा मैं उसको बोलूं सिक्योरिटी डिपॉजिट प्रीपेमेंट सही है और रेवेन्यू और पीपी गलत है? नहीं यार, मैं कहूंगा ये एफएस आईएफआरएस के हिसाब से नहीं बने। बच्चों यहां तक बात समझ आती है? तो हमारे पास दो ओपिनियन होगी, एक क्वालिफाइड ओपिनियन है एक एडवर्स। अगेन ये जो वर्ड है परवेसिव से प्रिसाइसली समझा हुआ है कि यार अगर कोई मिस स्टेटमेंट, हाँ जी, फाइनेंशियल स्टेटमेंट में एक सिग्निफिकेंट पोर्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है, एफएस की सबसे ज्यादा जगह वो घेर रहा है, तो वो मिस स्टेटमेंट मटेरियल तो होगी होगी, वो परवेसिव भी होगी। परवेसिव के पीछे 2-3 टाइप्स है, पूरा कॉन्सेप्ट है, आज की क्लास का एजेंडा नहीं है। आज की क्लास का एजेंडा सिर्फ इतना है कि हमारे पास ओपिनियन की जल्दी जल्दी टाइप्स क्या होती है। एक टाइप है अनमॉडिफाइड, दूसरी मॉडिफाइड। मॉडिफाइड कब दूंगा? जब मिस स्टेटमेंट क्या होती है? जब एफएस आईएफआरएस के हिसाब से नहीं बने। तो अगर एफएस आईएफआरएस नहीं बने तो क्या वो मटेरियल है या मटेरियल प्लस परवेसिव? अगर मटेरियल है तो क्वालिफाइड, मटेरियल प्लस परवेसिव है तो क्वालिफाइड नहीं होगा, वर्ड्स होगा। आप इसी बैलेंस शीट को देखें प्यारे बच्चों, आप इलस्ट्रेशन थ्री को देखें, 600 रुपए में से 550 रुपए गलत है। प्यारे बच्चों आप ये नहीं कह सकते कि इन्वेंट्री के अलावा एफएस आईएफआरएस के हिसाब से बने। आपको इन्वेंट्री तो पूरी जगह घेर रहा है, इन्वेंट्री ही तो सिग्निफिकेंट पोर्शन ऑफ द एफएस है, तो ये एफएस आईएफआरएस के हिसाब से नहीं बने। क्या यहां तक? ऑल्दो पीपी बिल्कुल सही है, अकाउंट रिसीवेबल बिल्कुल सही है, बैंक लोन सही है, अकाउंट पेबल सही है, ये सब सही है, उसके बावजूद आप क्या कहोगे? दीज एफएस आर नॉट प्रिपेयर्ड इन अकॉर्डेंस विद IFRS। डन हो गया प्यारे बच्चों, यहाँ तक क्लियर है हम सारे यहाँ पे? अच्छा जी, मेरे भाई कोई सवाल पूछ सकते हैं?
सॉरी, जिस तरह मटीरियलिटी का एक बेंचमार्क है, सिग्निफिकेंस का भी एक बेंचमार्क होगा, सही है? परवेसिव है, नहीं है, जजमेंटल है, इतना जजमेंटल है कि अगर हम टेक्निकलिटी में उस क्लास में जाएंगे, बट मैं एक कंपनी का ऑडिट कर रहा था, उस कंपनी में फिक्स एसेट भी गलत था, अकाउंट रिसीवेबल भी गलत था, इन्वेंट्री भी गलत था, फिक्स एसेट भी गलत था, अकाउंट रिसीवेबल भी गलत था, और पर इन्वेंट्री भी गलत था, और बड़ी बड़ी अमाउंट से गलत था, सही है? चार पार्टनर फर्म के बैठे हैं, दो कह रहे हैं क्वालिफाइड होगा, दो कह रहे हैं एडवर्स होगा। ये इतना जजमेंटल मैटर है, ऐसा नहीं है कि आपने कैलकुलेटर लिया, डिवाइड किया तो आपको आंसर मिल गया, ये ऐसी चीज नहीं है। तो ये एक हाईली जजमेंटल चीज है। देखे ना, अभी मैंने आपके सामने एग्जाम्पल रखी, इन्वेंट्री गलत है, आप कहेंगे इन्वेंट्री के अलावा सब कुछ सही है। मैं आपके सामने रिसीवेबल भी गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है, तो अब आप बोलोगे यार 10 में से चार चीजें गलत है, तो अब भी क्वालिफाइड ओपिनियन नहीं बल्कि एडवर्स। तो एक जजमेंटल चीज है। फिलहाल हमने क्या समझना है प्यारे बच्चों, सिर्फ और सिर्फ ओपिनियन की टेस्ट। डन हो गया भाई यहाँ तक? अच्छा, सब कोई और सवाल मेरे भाई, आपको भले रेलिवेंट ना लगे आप पूछ ले फिर भी। जी मेरे भाई, सॉरी, हाँ, ऐसा बिल्कुल क्राइटेरिया नहीं है कि मिस स्टेटमेंट 50% से ऊपर है तो एडवर्स, ऐसा कोई क्राइटेरिया डिस्कस ही नहीं किया, ऐसा तो कोई क्राइटेरिया है ही नहीं। ये तो आपकी जजमेंट है, प्रोफेशनल जजमेंट है कि आपको क्या लगता है कि एडवर्स की तरफ जा रही है कि नहीं जा रही, सही है? मटेरियल तो है, परवेसिव, इट इज अ मैटर ऑफ प्रोफेशनल जजमेंट। कोई और सवाल मेरे भाई? जी मेरे भाई, हाँ, अमाउंट कम हो तो मटेरियल नहीं होगा। चले मैं आपके सामने एक और एग्जांपल रखता हूं। मटेरियलिटी कितनी है? जल्दी जल्दी, ₹5 ना यार, सही है? PPIFRS के हिसाब से कितने रुपए का आ रहा है? ₹9 का आना चाहिए। मिस स्टेटमेंट का अमाउंट पता है? मटेरियल है, मटेरियल है। इन्वेंट्री कितने का आ रहा है? कितने का आना चाहिए? मिस स्टेटमेंट का अमाउंट मटेरियल है। बच्चों सही लिख रहा हूं यार। अकाउंट रिसीवेबल कितने का आना चाहिए? 30। कितने का आ रहा है? 28 का। कितने का? 28 का। मिस स्टेटमेंट क्या अमाउंट मटेरियल है? ये सवाल है मेरे भाई, 10 में से 5 चीजें गलत है, सही है? हाँ जी, आइजा ने कहा है कि ये एक 5% इनिशियल डिटरमाइन करने के लिए, आपने 7.5% भी ले सकते हैं, आप 2.5% भी ले सकते हैं, आप 2% भी ले सकते हैं, ये आपकी अपनी जजमेंट, ऑडिटर की अपनी जजमेंट। मैं इसको कंप्लीट कर लूं, इसको कंप्लीट कर लूं। अच्छा, मटेरियल है, मटेरियल है, मटेरियल है, मटेरियल है। क्यों मटेरियल है? 1 + 3 = 4 + 2 टोटल मिस स्टेटमेंट की अमाउंट कितनी है? टोटल मिस स्टेटमेंट की अमाउंट कितनी है? मटेरियलिटी कितनी है? ₹5। तो मटेरियलिटी, मिस स्टेटमेंट इंडिविजुअली और इन एग्रीगेट, कलेक्टिवली एग्रीगेट, अगर वो मटेरियलिटी से एक्सीड कर जाए तो वो मटेरियलिटी तसव्वुर की जाएगी। ऐसे हजार इलस्ट्रेशन और हजार सिनेरियो में आपसे डिस्कस करूंगा, ऐसे हजार सिनेरियो और हजार इलस्ट्रेशन में आपसे डिस्कस करूंगा, लेकिन ये आज की क्लास का एजेंडा नहीं है, सही है? मटेरियलिटी हम शायद 2 से 3 क्लासेस तक पढ़ रहे होंगे, सिर्फ एक चीज पीबीटी का 5% फिलहाल इतना। परवेसिव भी हम आगे जाके 3 महीने बाद जब रिपोर्टिंग पढ़ रहे होंगे तो उस वक्त हम इन चीजों को, आप एक चीज समझ रहे हैं ना प्यारे बच्चों, हमने अब तक इनकी जिम्मेदारी पढ़ ली, हमने रिस्क आइडेंटिफाई कर लिया, हमने कुछ प्रोसीजर्स का ओवर ले लिया, आज इसका ओवर भी ले रहे हैं रिपोर्ट, फिर उसके बाद तो पढ़ना ही है, उसके बाद तो पूरे पूरे। लेकिन हर आयजा में सुनिएगा, हर आयजा में 3 चीजें होंगी, प्लानिंग, परफॉर्मेंस और रिपोर्टिंग। अब दुनिया का कोई आयजा लेके आ जाए, 3 आयजा इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स ऑन, 3 चीजें होंगी, पहली प्लानिंग, भाई ये रिस्क हो सकते हैं, दूसरा भाई ये प्रोसीजर परफॉर्म कर लेना, तीसरा तभी हम इसका सिर्फ एक ओवर, ताकि कोई भी आयजा हम पढ़े तो हमें पता हो कि वहां पे क्या लिखा हुआ और हमें समझ में आ जाए। डन हो गया प्यारे बच्चों? कोई सवाल मेरे भाई मुझसे पूछ लो, मुझसे पूछ लो दोस्त, कोई मसला नहीं है। आप एक क्लासेस वाले,
हाँ जी अभी तो तीन दिन में मसला आ रहा था सर, आपने परवेसिव क्यों नहीं लिखा? अगेन मेक्स स्टेटमेंट, की अमाउंट कितनी है? क्या ये 6 रुपए है? एक्सेप्ट फॉर लिखेगा, एक्सेप्ट फॉर पीपी इन्वेंटरी अकाउंट रिसीवेबल दीज एफएसआर पे पड़े। देखो 600 रुपए में से कितने रुपए गलत है? 6 रुपए गलत है। 594 रुपए। तो आपको सोचा आपका जमीर इस चीज की इजाजत देगा कि आप ये कहते हैं एफएसआई फर्ज के हिसाब से नहीं, समझ आ रही है? लेकिन सॉरी क्यों गलत है? हाँ तो क्या मसला है? सॉरी नहीं, पूरी स्टेटमेंट गलत नहीं हुई ना, इन्वेंट्री पूरा 560 रुपए से गलत नहीं है, इन्वेंट्री सिर्फ 3 रुपए से गलत है। तो आप ये नहीं कह सकते कि पूरी इन्वेंट्री गलत है। आप कहोगे इन्वेंट्री कितने से गलत है? 3 रुपए से गलत है। पूरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कितने की गलतियां हैं? 6 रुपए की गलतियां हैं। 600 रुपए में से कितने की गलतियां हैं? आप खुद सोचे 600 रुपए में से अगर 6 रुपए की गलतियां हैं तो आप ये नहीं कह सकते, क्या नहीं कह सकते, कि पूरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट IFRS के हिसाब से नहीं। क्लियर हो गया सारे यहां तक? अच्छा, एक सवाल आ रहा होगा आपके पास, यार दोस्त मुझसे पूछ लो, कोई मसला नहीं है मेरे भाई, मुझसे पूछो। देखिए अगर आज की क्लास का एजेंडा नहीं होगा मैं आपसे कह दूंगा, आप सवाल नोट करके रखिएगा, और आप क्या, मैं जब वो पढ़ा रहा हूँ तो मैं खुद आपसे सवाल पूछूंगा, कोई भी सवाल है मुझसे पूछ सकते हैं। जल्दी छेदी छेदी, डन हो गया यहां तक? अच्छा जी, एक सवाल आपके पास आ रहा है, क्वेश्चन नंबर 1 कौन सा? सलमान लिमिटेड, एज एट June 30, 2017 द कंपनी हैज एन इन्वेंट्री ऑफ रुपीज 20 मिलियन, द NRV ऑफ द इन्वेंट्री एज एट June 30, 2017 इज रुपीज 12 मिलियन, मैनेजमेंट हैज रिफ्यूज टू मेक एनी प्रोविजन इन द ड्राफ्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, द कंपनी हैज अ प्रॉफिट बिफोर टैक्स ऑफ रुपीज 100 मिलियन। मटेरियलिटी कितनी हो गई? 8 रुपए की हुई। मटेरियलिटी कितनी है? मिस स्टेटमेंट की अमाउंट कितनी है? क्या मटेरियल है? जबरदस्त। सवाल की रिक्वायरमेंट है इवैल्यूएट द अबव सिचुएशन एंड डिस्कस द पॉसिबल इंप्लीकेशन ऑन द ऑडिट रिपोर्ट। 5 से 7 मिनट दे रहा हूं, मुझे इसका आंसर चाहिए ड्राफ्टेड। अच्छा जी, यार आवाज आ रही है? चले मेरे भाई आ जाए। आंसर हम सबको पता है, आंसर क्या है? क्वालिफाइड या एडवर्स, सही है ना? पॉसिबल इंप्लीकेशन बोली है ना, तो मैं क्वालिफाइड या, मैं इसमें तो अभी जा ही नहीं रहा कि क्वालिफाइड दूंगा कि एडवर्स दूंगा, मैं या तो क्वालिफाइड दे दूंगा या एडवर्स दे दूंगा, मैं अनमॉडिफाइड ओपिनियन, ये मुझे पता है अपना आंसर। मसला क्या है, अब इसको लिखना, और लिखने से बड़ा मसला ये है कि उसको उसको स्टार्ट कहां से करें और इसको इसको एंड कहां पे करें, क्योंकि वो आपसे कह रहा है, क्या कह रहा है? इवेल्युएट दी एंड डिस्कस द, आप लोगों को जो आंसर मैंने चेक किया उसमें आपने सिर्फ पॉसिबल इंप्लीकेशन बता दिए, आपने इवेल्युएट तो किया नहीं। क्या है? क्या किया है? हाँ जबरदस्त यार, बहुत जबरदस्त। थोड़ी बहुत बेसिक मिस्टेक है, अपेरेंटली 90% आंसर बिल्कुल सही है। अब मेरी एक बात समझने की कोशिश करिएगा, क्यों एक चीज हर क्लास में ड्राफ्टिंग करी है, सुनिएगा बच्चों, जो अगला एक घंटा है बड़ा इंपॉर्टेंट है, हर क्लास में जो ड्राफ्टिंग करी एक चीज सीख ली, जो आइजा का स्ट्रक्चर है आपका आंसर भी उसी स्ट्रक्चर के हिसाब से होना चाहिए। हमने जब ऑडिट प्रोसीजर ड्राफ्ट किया तो हमने कहा जैसे सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस लिखा गया है वैसे ही लिखो,
हमने जब ऑडिट रिस्क की ड्राफ्टिंग करी तो हमने कहा जो 315 का स्ट्रक्चर है रिस्क फैक्टर को लिंक कर दिया एफएस लेवल से या एजर्शन लेवल से और बता दिया व्हाट इज ऑडिट रिस्क, वही सेम यहां पे भी आपने ये काम करना है। फॉर एग्जांपल फाइनेंशियल स्टेटमेंट में इन्वेंट्री कितने पे रिकॉर्ड हुई है? हाँ जी इन्वेंट्री रिकॉर्ड हुई है 20 पे। कौन सा IFRS अप्लाई होता है जल्दी छेती छेती? IS2। और IS2 के हिसाब से इन्वेंट्री किस पे रिकॉर्ड होती है? लोअर ऑफ कॉस्ट और दैट इज कितना रुपए? 12 रुपए। एफएस 20 रुपए है, IFRS क्या एफएस और IFRS बराबर है? क्या ये बराबर है तो ये क्या कहलाता है? अगला सवाल क्या ये मिस स्टेटमेंट? जबरदस्त मेरे बच्चों, मटेरियलिटी कितनी है? पीबीटी कितना है? 100 रुपए। इसका 5% तो मटेरियलिटी के अमाउंट 5 रुपए, मिस स्टेटमेंट की अमाउंट देयर फोर द अमाउंट ऑफ मिस स्टेटमेंट इज मटेरियल। अब मैं लिखूंगा पॉसिबल इंप्लीकेशन ऑन ऑडिट रिपोर्ट। कौन सी ओपिनियन प्यारे बच्चों जल्दी से बता दें? क्वालिफाइड। अच्छा आंसर लग रहा है बच्चों? यार बड़ा स्ट्रक्चर्ड आंसर है। इस आंसर में मेरा कोई कमाल नहीं है, मैंने करा क्या है इस आंसर को आइजा के स्ट्रक्चर से अलाइन कर दिया। एक चीज मिसिंग है इसमें, क्या ये मिस स्टेटमेंट है? कितने रुपए की? 8 रुपए की। और ये कौन सी टाइप ऑफ मिस स्टेटमेंट है जल्दी से बता दें? डिस्क्लोजर का मसला है किसी ऑन अकाउंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसी, सिर्फ ये वर्ड में लिख रहा हूं। अगर आप कंपेयर करें तो आपकी जो राइट हैंड साइड है वो लेफ्ट हैंड साइड से बिल्कुल मैच कर रहा है। सुनिएगा मेरी बात को, मैंने सबसे पहली चीज क्या लिखी? फाइनेंशियल स्टेटमेंट। मैंने दूसरी चीज क्या लिखी? जल्दी जल्दी IFRS। क्या दोनों बराबर है? क्या बन गई? मिस स्टेटमेंट। ये मिस स्टेटमेंट है ऑन अकाउंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसी। क्या ये मिस स्टेटमेंट मटेरियल है? यस सर, मैंने मटेरियल भी लिखा और फिर जाके मैंने लिखा मैं कौन सा ओपिनियन दूंगा? क्वालिफाइड। इतना एक सेकंड मुझे कंप्लीट करने दो। कितना अच्छा हो जाएगा कि जिस स्ट्रक्चर में हम चीजें पढ़े उसी स्ट्रक्चर में चीजों को लिखे भी अलाइंड होगा, हैंडआउट भी ऐसा ही होगा। अगर आप किताब खरीदेंगे 705 देखने की जरूरत नहीं है, जब हम पढ़ेंगे 705 ऐसे जो डायग्राम आपको वहां पे दिखेगी, जो कंटेंट दिखेगा वो, तो कितना अच्छा हो जाएगा कि बोर्ड पे भी वही डायग्राम बने, हैंडआउट भी वही हो हमारा और लिखना भी उसी के हिसाब से करें। तो चीजें जब स्कैटर्ड नहीं होंगी, सिंक्रोनाइज्ड होंगी आपकी तीनों चीजें, तो आपको चीजें याद भी रहेंगी, लिखने की टेक्निक भी पता होगी। अब अगर पेपर में कोई भी सवाल आ जाएगा आपको ये टेंशन नहीं होगी कि मैंने स्टार्ट कहां से करना है, आपको पता होगा मैंने अपने आंसर में इन 5-6 कॉन्सेप्ट्स को कम्युनिकेट करना है। क्या यहां तक बात समझ आती है? और आप दुनिया का कोई सवाल लेके आ जाए, हम सीए फाइनल भी करेंगे, हम ICW भी करेंगे, नोट नहीं करना है किसी ने भी, आपका सिर्फ और सिर्फ आंसर का स्ट्रक्चर हमेशा, मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, ये सवाल है इन्वेंटरी की जगह पीपी लिखा हुआ आ गया और मैनेजमेंट ने पीपी की इंपेयरमेंट रिकॉर्ड नहीं करी, आपका आंसर सेम होगा, सिर्फ क्या चेंज आ जाएगा जल्दी से बता दें? पीपी। और पीपी के ऊपर IS2 अप्लाई नहीं होता, IS30 लोअर ऑफ कॉस्ट NRV नहीं होता बल्कि रिकवर अमाउंट होती है, वो वैल्यू इन यूज वगैरह से। बाकी पूरा आंसर आपका एग्जैक्टली सेम है, कुछ भी चेंज नहीं करना आपने, सिर्फ सवाल की इंफॉर्मेशन को यहाँ पे रिप्रोड्यूस करना है। प्यारे बच्चों के यहां तक बात समझ आती है? तो जो स्ट्रक्चर होगा आप, अब अगर आप देखें मेरे इस आंसर में अंग्रेजी नहीं है, मेरे इस आंसर में ऑडिटिंग और IFRS की टर्मिनोलॉजी यूज हो रही है, तभी मुझे मार्क्स मिलेंगे। रात दिन में अंग्रेजी का पर्चा लिख के आ जाओ। सुनिएगा मेरी बात को, अब जो मैं लिख रहा हूं
in the financial statement, inventory has been recorded at an amount of rupees 20. As per IS 2, inventory shall be recorded at lower of cost or that is I dot E dot rupees 12. Therefore, this is a there is a misstatement of rupees 8. And the misstatement is on account of application of accounting policy. The materiality is rupees 5. The amount of misstatement is rupees 8. Therefore, it is a material misstatement. Hence, auditor shall express qualified opinion. मेरा अंग्रेजी का वर्ड यूज ही नहीं किया है मैंने ऑडिट और आईएफआरएस का वर्ड यूज किया ये समझने की कोशिश करेगा प्यारे बच्चों जब मैं अपने आंसर में मिस स्टेटमेंट का वर्ड लिख रहा हूँ लोअर ऑफ कॉस्ट एनआरवी का वर्ड लिख रहा हूँ अकाउंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ पॉलिसी का वर्ड लिख रहा हूँ मटीरियलिटी की कैलकुलेशन बता के मटीरियल का वर्ड यूज कर रहा हूँ क्वालिफाइड का तो आप सोचे ना मुझे कितना अच्छा मार्क्स मिलेगा और ये चीज अगर मैं अपने हर आंसर में लिखूंगा सिर्फ सिनेरियो की वजह से मेरे कुछ एक दो स्टेप्स चेंज होंगे बाकी स्टेप्स मेरा सेम रहेगा हाँ क्वालिफाइड है एडवर्ड्स है वो बात की बात है लेकिन आप जिस चीज के लिए परेशान हो रहे हैं वो सबसे आखिरी स्टेप है क्वालिफाइड दूं कि एडवर्ड्स दूं हमारी आज की क्लास का ये टारगेट भी नहीं है हमारी आज की क्लास का टारगेट क्या है कि हमें सिर्फ पता चल जाए कि हमारे पास इतने किस्म के ओपिनियन अवेलेबल है एक अनमॉडिफाइड है एक मॉडिफाइड है मॉडिफाइड में क्वालिफाइड है और एडवर्ड्स यहाँ क्वालिफाइड एडवर्ड्स इस पे नहीं जाना अभी सिर्फ एक ओवरव्यू के मैं यहाँ पे अपनी ओपिनियन को मॉडिफाई कर दूंगा क्या यहाँ तक बात समझ आती है कोई सवाल था मेरे भाई जी मेरे भाई मैंने लिखा हुआ है मटेरियल प्लस परमिसिव मैं अगेन देखिए अगेन मेरी बात सुन इस सवाल का पर्पस क्या है हम क्या सीख लें थोड़ा बहुत हम थोड़ी ड्राफ्टिंग सीख लें पॉसिबल इंप्लीकेशन लिखनी है आप और लिख के एडवर्ड्स लिख दें लेकिन हमारी आज की क्लास का ये टारगेट है ही नहीं आप समझने की कोशिश करें आज की क्लास का ये एजेंडा नहीं है कि हम क्वालिफाइड और एडवर्ड्स को थोड़ा सा टेक्निकलिटी में जाके देखें ये हमने आज से 3 महीने बाद पढ़ना है यार ये जो हमने चीजें पढ़नी है सिर्फ परवेसिव की डेफिनेशन हमारी पूरी क्लास ले जाएगी सिर्फ परवेसिव की डेफिनेशन पूरी पूरी क्लास ले जाएगी प्यारे बच्चों सिर्फ परवेसिव की डेफिनेशन पूरी क्लास ले जाएगी मटेरियलिटी सिर्फ ये चीज इसके ऊपर पूरा आइजा आइजा 320 सिर्फ ये टॉपिक हमारा 2 से 3 क्लासेस ले जाएगा वो जो आप सफिशियंट एप्रोप्रिएट ऑडिटेबल आप समझ रहे हैं कि आपने पढ़ लिया ये 10 क्लासेस आपके ले जाएगा और ये खत्म नहीं होता टॉपिक और आगे जो पढ़ना है वो सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस ही पढ़ना है हर आइजा के अंदर कोई ना कोई ऑडिट प्रोसीजर्स मेंशन है तो हम इस चीज की तरफ अभी जा ही नहीं रहे क्वालिफाइड बनता है क्योंकि मटेरियल है आपको लगता है एडवर्स है आप लिखते हैं और एडवर्स बट अभी इस चीज पे हमने आप समझने की कोशिश करें इस चीज के अंदर अभी हमने इन्वॉल्व नहीं होना है क्लियर है प्यारे बच्चों यहां तक समझ आता है हमने किस तरीके से ड्राफ्ट करना है जी मेरे भाई सवाल में पीपीटी कितना दिया हुआ है हमने कहा कि यार नॉर्मली पीपीटी का कितना परसेंट 5% तो मटेरियलिटी की अमाउंट कितनी आ गई तो 5 रुपए मेरी मटेरियलिटी है मिस स्टेटमेंट की अमाउंट कितनी है 8 रुपए तो क्या ये मिस स्टेटमेंट मटेरियल है हाँ जी मटेरियल सॉरी कौन सी लाइन को मेरे भाई मटेरियल वाले की द प्रॉफिट बिफोर टैक्स इज रुपीज 100 5% ऑफ पीबीटी इज रुपीज 5 विच इज दी materiality the amount of misstatement is rupees 8 hence the misstatement is material to the financial statements done ho gaya mere but iska sahi answer bhi hai wo bhi hum dekh lenge theek ho gaya ji yahan tak baat samajh aati hai yahan pe clear ho gaya hum sare yahan pe acha ji aapko koi sawal tha mere bhai aapko koi sawal hai mujhse pooch le pyare bachcho done ho gaya